हेलो एवरीवन, वेलकम इन टीम दीवाना आईएएस एंड गेट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने मुझे काफ़ी ज़्यादा कंग्रेचुलेशंस वाले मैसेज भेजे थे। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने कमेंट करके रिक्वेस्ट भी किए कि कुलदीप सर आप वीडियोस लीजिए, तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। अभी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम भी अवेलेबल है, तो जैसा नवीन यादव भैया ने भी मुझे गाइडेंस की है कि मुझे प्रॉपर इस टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए और आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करना चाहिए कि एक पर्टिकुलर जो अच्छा रैंक लेके आता है वो क्या क्या प्लान फॉलो करता है। कोचिंग के अलावा भी काफ़ी ज़्यादा हमें चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। अगर मैं रियलिटी में आपको बताऊं, अगर आप अच्छा रैंक लेना चाहते हो, तो वो सब मैं आपको इस वीडियो सीरीज़ के थ्रू बताने वाला हूँ। मेरी वीडियो सीरीज़ में हर एक पर्टिकुलर प्लान और स्ट्रेटर्जी होगी। लाइक दैट अगर कुछ वीडियोज़ में आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि एक जो अच्छा रैंकर्स होता है वो क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, जैसे क्वेश्चन सोल्व प्रैक्टिस जैसे करनी होती है, तो वो किस तरीके से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं कि उनका इतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट बिल्ड होते हैं। क्योंकि मटेरियल लगभग सभी सेम फॉलो करते हैं, लेकिन क्या पर्टिकुलर डिफरेंस होता है एक अच्छे रैंकर्स में और जो काफ़ी नीचे रह जाते हैं पढ़ने के बावजूद भी, तो उन सब जो गैप है उन्हीं को मैं भरने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कि आपको इनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, तो मैं पर्टिकुलर हर एक टॉपिक पे वीडियोस बनाऊंगा, एंड अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो जो भी आप डिमांड करेंगे वो भी मैं आपको पर्टिकुलर सेशंस के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको अभी ये भी डाउट है कि आईआईटी में उनको एडमिशन्स कैसे लेना है, या फिर जो अदर चीज़ें उनको कैसे फॉलो करनी चाहिए, वो सब भी इन वीडियोज़ में आपको मिल जाएगा। कुछ वीडियोज़ में मैं आपको आईआईटी में एमटेक एडमिशन्स, आईआईटी एमटेक के साथ आप किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी किया है, तो मैं आपको उसके बारे में गाइड करूँगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम कुलदीप सिंह है और जो मेरा रैंक है गेट 2020 के अंदर AIR 29 है। लास्ट ईयर जो मेरा रैंक था वो 478 था, एंड मैंने एमटेक ज्वाइन किया था। एमटेक के साथ साथ में मैंने अपने रैंक को 2 डिजिट के अंदर इम्प्रूव किया 3 डिजिट से, और इसके अलावा मैं दीवाने आईएएस एंड गेट, जो अगर स्टूडेंट फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि लास्ट 1 ईयर से मैं दीवाने आईएएस एंड गेट पे लेक्चर्स वगैरह भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। जितने भी सोशल इवेंट्स वगैरह होते हैं, को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, उनमें भी मेरा कंटिन्यूस पार्टिसिपेशन है। अभी तक 100+ सर्टिफिकेट्स है। ये सब मैं आपको बस इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि आप अगर वीडियोस देख रहे हैं तो आपको एक रीज़न मिलना चाहिए कि आप वीडियो क्यों देख रहे हैं, और आपको उससे सीखने को मिलना चाहिए। तो दैट्स वाई आपको इन सब को अच्छे से समझना है, वीडियोस को पूरा देखना है, तो सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। ओके, तो आज का जो पहला वीडियो है उसमें मैं आपको मेरी जो मोटिवेशनल जर्नी रही है उसको मैं आपको समझाने वाला हूँ। आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जो मेरा फेसबुक अकाउंट है उसके वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी लिंक। मेरा एक अलग चैनल भी है जिसमें मैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गाइडेंस वगैरह देता हूँ, उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे जाके आप उसको फॉलो कर सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा मेरे कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट के मैसेजेस आते हैं, तो आपको पेशेंस रखना है। मैं जैसे ही टाइम की अवेलेबिलिटी होगी आपको रेस्पॉन्स करूंगा। जो भी मेरे पास नॉलेज है मैं उसके बेसिस पर आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। ओके, तो अब हम आज का जो मेन मोटो है इस वीडियो का उसके अंदर आते हैं। आज जो मेरी सक्सेस जर्नी रही है उसके बारे में मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ। उसकी एक पीडीएफ भी मैंने प्रिपेयर की है, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर्टिकुलर पीडीएफ में मैंने जो मेरी पूरी सक्सेस जर्नी रही है कॉलेज लाइफ तक, उसमें कैसे मेरा लाइफ स्टाइल रहा, क्या मैंने फॉलो किया, कॉलेज में मैंने क्या चीज़ें ध्यान दी थी, और उसके बाद मैंने प्रिपरेशन कैसे की थी, इन सबको मैंने पीडीएफ में प्रॉपर तरीके से लिखा है। वो आप 5 to 6 pages है, उनके थ्रू आप एक बार निकलिएगा। मैं जैसा काफ़ी सारे लोग स्टूडेंट से मुझे मिला है जो होप खो देते हैं, उनको उससे मोटिवेशन देखने को मिलेगा। ओके, और थोड़ा सा मैं आपको ओरली भी समझाऊंगा कि कितना डिफिकल्ट सिचुएशन से लोग निकलते हैं जो सक्सेस लेते हैं। चाहे आप नवीन यादव भैया की भी स्टोरी देखेंगे, वो भी एक नॉर्मल विलेज से निकले हुए हैं और आज वो काफ़ी ज़्यादा अचीव कर चुके हैं अपनी लाइफ में। जो लोग अपने ड्रीम में देखते हैं उस सिचुएशंस में वो भी पहुँचे हुए हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी जो जर्नी रही वो एक राजस्थान नागौर के एक छोटे से गांव से शुरू हुई थी। राजस्थान नागौर में जैसा मेनली पानी की काफ़ी ज़्यादा कमी है, और वहाँ पे हमें खेती से ही गुजारा करना पड़ता था। मेरे पिताजी और हमारे गांव के जितने भी आसपास के लोग हैं सब खेती किया करते थे।
सिक्स क्लास तक मैंने गांव के ही गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाई की। देन सेवन्थ में हमारे जो कुएं वगैरह होते थे वहाँ पे पानी ख़त्म हो गया था, इसकी वजह से मेरे पापा को जयपुर शिफ्ट होना पड़ा। और जब वो जयपुर शिफ्ट हुए थे तो वहाँ पे उनको नॉर्मल एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करनी पड़ी। वहाँ पे ज़्यादा वो पढ़े लिखे नहीं थे, जैसे उनको अच्छी जॉब नहीं मिली और उनको केवल 2500 रुपये में जॉब करनी पड़ी, जिससे हम आप सोच सकते हैं कि एक नॉर्मल 5 मेंबर्स की फैमिली जयपुर जैसी सिटी में 2500 रुपये में कैसे गुजारा कर सकती है। तो हमारे सामने काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी। हम जैसे जितने आज लोगों के बाथरूम होते थे उन बाथरूम जैसे कमरों में हमने गुजारा किया था। मेरे पिताजी वगैरह के पूरे पैर भी नहीं पसरा करते थे वहाँ पर, ऐसे रूम में मैंने स्ट्रगल किया था। तो उन्हीं को देख के मुझे कुछ लाइफ में अच्छा करने की उम्मीद मिली, मुझे पता चला कि मुझे कुछ करना चाहिए। आप सबके पास मैं जान सकता हूँ कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के पास प्रॉपर गाइडेंस होता है, वो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं लेकिन काफ़ी सारे जो अपने इंटरनल इश्यूज होते हैं और जो उनको सोशल जितने भी उनको कन्फ्यूजन्स होते हैं उनकी वजह से और जो उनको प्रॉब्लम्स होती है वो उन प्रॉब्लम की वजह से हिम्मत हार जाते हैं और उनको छोड़ देते हैं। इसीलिए मैं आपको ये जर्नी समझा रहा हूँ, मैं भी काफ़ी सारे स्टूडेंट को इससे सीखने को मिलेगा और अगर आप PDF देखेंगे तो श्योरली बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। उसके बाद जयपुर जैसी सिटी थी वहाँ पर मैंने सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की 8वीं तक और नॉर्मल में मैथमेटिक्स जो आज मैं इंजीनियरिंग किया हुआ हूँ। और जैसा कहते हैं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये डाउट होता है कि मैंने कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, मेरे 12th के बेसिक्स अच्छे नहीं थे इसलिए मैं गेट में अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे जो 8th क्लास थी उसमें मैं बाई ग्रेस पास हुआ था, मेरे ओनली 33 मार्क्स आए थे और मैं ग्रेस से पास हुआ था मैथमेटिक्स में। इसके अलावा मैं काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल स्टूडेंट था। जब मैं 11th 12th में आया तो मैंने मेरे पिताजी का जो स्ट्रगल था उसको देखा कि मेरे पिताजी किस तरीके से मेहनत करते हैं, दिन डबल ड्यूटी वो कर रहे हैं। मेरी मम्मा जो है वो सिलाई का काम कर रही है, आसपास उनको काफ़ी ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है। तो इन सबको देख के मैंने भी सोचा कि मैं लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करूँगा और कुछ पर्टिकुलर अच्छे से ज़िंदगी में कुछ करना चाहूँगा। तो मैंने बस अपने पढ़ाई शुरू की और जो भी मुझे रिसोर्सेज थे उनका यूज करते हुए मैं पढ़ने की कोशिश करने लगा। मेरे जब 11th 12th आया तो ज़्यादा अच्छा मेरा रिजल्ट रहा था क्योंकि उस टाइम की जो सिचुएशन थी उसके हिसाब से मेरा रिजल्ट अच्छा ही था। और उसके बाद मुझे ज़्यादा गाइडेंस थी नहीं कि IIT और NIT वगैरह कैसे ज्वाइन करें। मैंने पेपर भी दिए थे, मेरा क्लियर भी हुआ था लेकिन एक प्रॉपर गाइडेंस और मिस इन्फॉर्मेशन के कारण मैं एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जाते जाते से रह गया था। ओके, देन मुझे राजस्थान का ये गवर्नमेंट कॉलेज है जिसमें मुझे एडमिशन लेना पड़ा, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज झालावाड़ के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा। वहाँ पे जब मैं गया तो वहाँ पे रिसोर्सेज की काफ़ी ज़्यादा कमी थी, लाइक वहाँ पे टीचर्स वगैरह की भी कमी थी, प्रॉपर टीचर्स अवेलेबल नहीं थे सब्जेक्ट्स वगैरह के लिए एंड लैब्स वगैरह जो एक अच्छे इंस्टीट्यूट में होते हैं वो वहाँ पर नहीं थे। और मेरे जो 2 से 3 फ्रेंड थे जो 1 ईयर 2 ईयर कोचिंग करने के बाद IIT में पहुँचे थे, जब वो मुझे मैसेजेस भेजते थे तो मुझे काफ़ी हर्ट होता था कि मैं भी एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जा सकता था लेकिन एक इम्प्रॉपर गाइडेंस की वजह से मैं वहाँ पे नहीं जा पाया। अब मेरे पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो मैं उन सबको डील कर लेता कि मैं एक अच्छे इंस्टीट्यूट में नहीं आया हूँ और मैं कुछ अचीव नहीं कर पाऊँगा, या फिर मैं ये सोच सकता था कि मुझे जीवन में कुछ अच्छा करना है, मुझे मेरी लाइफ में कुछ स्ट्रगल करके कुछ अचीव करना है। तो मैंने बस यही सोचा। जब मैं कॉलेज में गया मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, मुझे स्टार्टिंग में इंग्लिश वगैरह नहीं आती थी, मैं मिस प्रोनाउंसिएशन आज तक भी कर देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा मेरे मिस प्रोनाउंसिएशन हो जाते हैं लेकिन मैं इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करता हूँ, जैसे भी लोगों के मुझे फीडबैक मिलते हैं मुझे उन्हें इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। तो कॉलेज में मेरे जो फर्स्ट सेम था उसमें मैं 70% के साथ पास आउट हुआ था और कुछ सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश फिजिक्स में जस्ट मैं बैकलॉग के 2 से 3 ऊपर मार्क्स पे ही था। ओके, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ कि यार मेरे पिताजी मेरे लिए इतने एफर्ट लगा रहे हैं और मैं जीवन क्या कर रहा हूँ, अपनी लाइफ में क्या कर रहा हूँ। तो उसी को समझने के हिसाब से मैंने मेहनत शुरू की और जो वहाँ पे रिसोर्स थे उनका पर्टिकुलर प्रॉपर तरीके से यूज करने की कोशिश की। जो मेरा कॉलेज था मुझे ऑनलाइन वहाँ पे वाईफाई वगैरह मिल गया था तो मैं काफ़ी ज़्यादा सर्च करता था, तो काफ़ी ज़्यादा सर्च करने के बाद मुझे NPTELHRD मुझे एक वेबसाइट दिखी, यूट्यूब चैनल दिखा जहाँ पे मुझे पर्टिकुलर हर एक सब्जेक्ट के IIT के जो प्रोफेसर्स होते हैं उनके कंप्लीट लेक्चर्स दिखे। मैं क्लासेस जाता था, जितना भी मुझे कॉलेज में क्लासेस लगती थी उनके अलावा मैं NPTEL HRD के जितने भी लेक्चर्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से 4-4, 5-5 घंटे बैठ के देखा करता था, उनको PDFs को रीड करता था, जो भी वो असाइनमेंट देते थे उनको मैं सॉल्व करता था। तो कंप्लीट जो मेरी BTech हुई है वो NPTEL HRD के लेक्चर्स के थ्रू ही हुई है। लास्ट ईयर में तो ऐसा था कि कुछ अच्छे प्रोफेसर्स आ गए थे जो IIT से ग्रेजुएट है TechCube के थ्रू और जो प्रोग्राम होते हैं उनके थ्रू, तो लास्ट ईयर में तो थोड़ा इजीनेस हो गया था
उसके बाद जब मेरे रिजल्ट्स आए, फर्स्ट सेम में मैंने जैसा आपको बताया था 70% था, सेकंड सेम में मेरे 73% हुए थे, थर्ड सेम में मेरे 76% हुए थे, फोर्थ सेम में 78, फिर से 81, 82, जब मैं पास आउट हुआ था तो मेरे 89% थे, ओके, और मेरा एग्रीगेट भी 80 से अबव आ गया था, ओके। तो मैं अगर चाहता था तो 70% से भी डील कर सकता था, लेकिन मैंने अपने पिताजी का सपना पूरा करने की कोशिश की और मैं चाहता था कि मैं जीवन जिंदगी में कुछ करूँगा। तो कॉलेज में मैंने पूरे एफर्ट लगाए, नेपटेल के थ्रू, ऑनलाइन रिसोर्स, मैं जो छुट्टियाँ होती थी उनमें कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करती थी करता था सॉरी। और वहाँ पर मैं क्या करता था कि जो भी IIT के अंदर लैब्स वगैरह होती है उनकी जो नॉलेज होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज, जो काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं जो इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट में, लाइक बहा वगैरह, गो कार्ड, इको कार्ड, टेक्निकल इवेंट, पेपर पब्लिक करना, ये सब चीजें मैं करता था। और अगर आप इन सब को देखना चाहते हैं कि क्या क्या पर्टिकुलर वो चीजें जो थी मैंने फॉलो की थी, वो आपको एक PDF के फॉर्म में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आप मेरी फेसबुक जो प्रोफाइल है उस पर भी देख सकते हैं, वहां पे भी आपको लिस्ट पर्टिकुलर मिलेगी, ओके। तो मेरे पिताजी सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे थे और मुझे यहां तक पढ़ा रहे थे। उसके बाद जब मैं ग्रेजुएशन हुआ तो मेरे पास इतने पैसे नहीं थे जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं, मेरे पास भी इतने पैसे नहीं थे कि मेरे पिताजी इतनी कम जॉब के अंदर मुझे इंजीनियरिंग करवाई थी उन्होंने, जिसमें मैं पार्ट टाइम खुद जॉब करता था। जितने भी 10-12 थी उसमें भी मैंने पार्ट टाइम जॉब करी थी। 11-12 कॉलेज ड्यूरेशन में भी मेरे पिताजी डबल ड्यूटी करते थे और मुझे बहुत मुश्किलों से पढ़ाया था उन्होंने। गाँव की मैं खेती से लेके जो भी जितना भी स्ट्रगल था उन्होंने किया था। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, जैसा मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं कि मेरे पिताजी के पास इतने रिसोर्स नहीं है कि मैं कोचिंग कर पाऊँ या फिर कुछ कर पाऊँ। इसीलिए मैं आज इस चैनल से भी जुड़ा हूँ, दीवाना IAS गेट से, क्योंकि मुझे उस टाइम नीड होती थी कि मुझे कहीं से फ्री में रिसोर्स मिल जाए और मैं पढ़ पाऊँ। लेकिन मैं उस टाइम पे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, तो मुझे इधर उधर से उधार लेके कैसे भी करके अरेंज करके मुझे मेडिजी जैसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना पड़ा था। वहाँ पे जाके मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी हुआ, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन है वो जाते हैं, लेकिन इसीलिए मैं नवीन भैया के चैनल से जुड़ा था कि दीवाने IAS गेट पे मुझे पढ़ाना है, जिससे जो स्टूडेंट को नीड है उनको लेक्चर्स मिल जाए। और इवन मैं अभी अश्योरिटी भी दे सकता हूँ कि जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अगर वो प्रॉपर गाइडेंस फॉलो करें और इवन जो लेक्चर्स है और क्वेश्चन है उनको प्रॉपर तरीके से फॉलो करें, तो उनको नीड भी नहीं होगी कोचिंग करने की। क्योंकि इस बार भी काफ़ी सारे स्टूडेंट है, अभी करंटली हम वीडियोस डालने वाले हैं, मैं खुद उनको ट्राई करता हूँ कि वो वीडियो बनाएं, क्योंकि उनको आता नहीं है, वो भी वीडियो डालते हैं, डाल रहे हैं, जो अप्रोक्सीमेटली 100-200 के अंदर तक रैंक लेके आ गए कॉलेज के साथ ही बिना कोचिंग करे हुए भी। जैसे एक स्टूडेंट का मैसेज आया था, वो 43 रैंक है, उसने भी थैंक्स बोला था, उसकी 43 रैंक है और वो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं था, उनके भी हम वीडियो आपको तुरंत ही प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा मैं इस चैनल से भी जुड़ा, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने जो दिया था उसकी प्रॉपर प्लान एंड स्ट्रेटजी मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताऊंगा कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या था, सेकंड अटेम्प्ट में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट से क्या इंप्रूव किया, और MTech के साथ अपना टाइम टेबल, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के तरीके, टेस्ट सीरीज में मार्क्स वगैरह कितने आते थे। इवन मैं आपको बता दूं कि जैसे टेस्ट सीरीज का काफ़ी सारे स्टूडेंट कहते हैं कि टेस्ट में अच्छे, इवन मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मैकेनिक्स का एक टेस्ट मैंने दिया था किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, तो उसमें मेरे माइनस में भी मार्क्स आए थे जब मैं सेकंड अटेम्प्ट देने वाला था। इवन मैं अभी उनका अगर डाटा मिल जाए तो मैं आपको टेस्ट के मार्क्स भी सेंड कर सकता हूँ। तो उसमें सब में होप नहीं खोना है, हमें फाइनली जो रिजल्ट होता है उसके लिए मेहनत करना, हमें सोच लिया कि हमें गेट में मेहनत करनी है तो करनी है, और उस दो जब तक आपको अचीव नहीं हो जाता तब तक आपको मेहनत करनी होगी, ओके। तो दो तीन चीज़ें सजेस्ट करना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, नीचे मैं कुछ आपको ग्रुप बना के डाल रहा हूँ, तो उन ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे जो भी मटेरियल वगैरह है, जो स्ट्रेटजी है, जिनके फोटोग्राफ्स वगैरह मैंने, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की सीट, रिवीजन सीट, जो भी मैंने बनाई होगी वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी, उनको मैं वीडियोस के थ्रू आपको नेक्स्ट वीडियोस में डिस्क्राइब भी कर दूंगा, ओके। सेकंड जो मेरी PDF मैंने आपको बोली है मोटिवेशनल स्टोरी, उसको आप एक बार चेक करिएगा, उसको पर्टिकुलर रीड करिएगा, और देन जो नेक्स्ट वीडियोस आने वाले हैं जैसे MTech के साथ कैसे प्रिपेयर किया था, क्या प्लान थे, क्या स्ट्रेटजी थी, वो सब कुछ मैं आपको शेयर करूंगा, तो आप उनको भी चेकआउट करिएगा, ओके। थैंक यू सो मच गाइज, आपको एक बार उनको पढ़िएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, और जो भी आपका फीडबैक है, जिस तरह की भी आपको वीडियो चाहिए वो आप मुझे बताइएगा वीडियो के कमेंट्स में, मैं आपको तुरंत उन टॉपिक्स पे वीडियो शेयर करूंगा, ओके। और मेरे चैनल पे भी एक बार विजिट करिएगा, ओके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।